दोस्तों आज हम लोग ये किसान की बाड़ी में आए हैं। यहाँ पे एक अलग ही हमको क्रॉपिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कृषक के द्वारा हल्दी के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग में धान की खेती की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी को हमेशा मेड़ नाली पद्धति में लगाया जाता है, यानी कि हल्दी को हमेशा करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचे मेड़ बना के लगाया जाता है। लेकिन कृषक के द्वारा जो नाली बनाई गई है हल्दी के खेत में, वहां पे धान की रोपाई कर दी गई है। ये सिस्टम मेरे द्वारा पहली बार ऐसा देखा गया है, इस तरह का एक सिस्टम। देखिए, जो जो नाली रहती है उसमें पानी भर जाता है और धान को अधिक पानी की जरूरत होती है, तो जो नाली है, दो दो हल्दी के मेड़ के बीच में जो नाली है वहां पे धान को लगा दिया गया है। और ये जो हल्दी है इसकी जो बुआई है फरवरी मार्च माह में की गई थी, और धान का रोपा बरसात के समय यानी कि जून जुलाई माह में की गई है। ये एक अलग ही तरह का सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि दोनों ही पौधे की पैदावार बहुत अच्छी हो रही है, चाहे धान हो चाहे हल्दी हो।